हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततन् नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणत्राश्मतामोप्यर मित्रों जय श्री राम जय माता दी। मित्रों आज आपसे चर्चा करें होली का पावन पर्व जो मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। 17 मार्च 2022 को होली का पावन पर्व मनाया जाएगा, अर्थात 17 मार्च को होली का दहन होगा और 18 को रंग वाली होली है, जिस दिन हम सभी लोग रंग खेलेंगे, चंदन और गुलाल के साथ रंग का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूजन की सामग्री चाहिए होती है और क्या इस बार शुभ योग्य भी बनना है, खास योग बनना है। इस बार होली का त्योहार काफी ही खास होने वाला है, अर्थात होली का जो पावन पर्व है इस साल कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। इस साल होली पर वृद्धि योग, अमृत योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ में ध्रुव योग भी बन रहा है। इसके अलावा गुरु और बुद्ध आदित्य योग भी बन रहा है। बुद्ध और गुरु आदित्य योग में होली का पूजन करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। तो क्या क्या पूजन की सामग्री है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें जो भी सामग्रियां हैं, विशेष सामग्रियां नहीं है, घर में ही जितनी सामग्रियां होती हैं पूजन की उन्हीं के अनुसार हम लोग पूजन करते हैं, परंतु इसमें कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं उनको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पानी से भरी एक कटोरी लेनी है और उसमें गाय के उपले और मतलब एक जल लेना है, एक पात्र में, एक थाली में आपको गाय के उपले रखने हैं और रोली रखना है, चंदन रखना है, चावल रखना है, धूप बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि, फूल, कच्चा कपास और कच्ची हल्दी है, साबुत मूंग है और इसके साथ साथ में बतासा है और गुलाल है, अबीर है और कई तरह की जो नई फसलें होती, जैसे चना की फसल हो गई, जौ की फसल हो गई, इन फसलों को भी हम अग्नि में तपाते हैं उस दिन। जिस दिन अग्नि हम जलाते हैं, जिस दिन होलिका का दहन करते हैं, उस दिन फसलों को भी अग्नि में जला करके, और मानिए कि एक प्रसन्नता का, आनंद का वो समय होता है, तो फसलों को भी हम जलाते हैं। तो इसमें यही सारी सामग्रियां होती हैं और इसके बाद में कहीं कहीं पर गुजिया बनाई जाती हैं, तो गुजिया का भी भोग लगाया जाता है और होलिका को प्रणाम किया जाता है। और इसके साथ साथ आप अपने घर के जो बड़े सदस्य हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, उनको भी आप प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, अपने देवताओं को, अपने पितरों को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। इस तरह से होलिका के पावन पर्व को हम सभी लोग मनाते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।